जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले मैं रेसर सैदुल भाई के पिताजी को प्रणाम करता हूँ जो कि आसाम से रहने वाले हैं और वो खुद तैयारी करते हैं और जितने लोग भी उनसे जुड़े हैं ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं, उन लोगों के अंदर हमेशा आग लगाते रहते हैं और उनसे 1,65,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। और पता है उनके ऊपर यार घर की पूरी जिम्मेदारी है जो कि अभी उनका समय बहुत ख़राब चल रहा है यार, तो हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना तो कर सकते हैं भाई। हमारे साथ आप लोग जितने लोग भी जुड़े हो कम से कम एक दुआ तो कर सकते हो, एक दुआ यार बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। कम से कम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो। अपना रेसर सैदुल भाई हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है और आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप लोग सब लोग जानते होंगे, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, वो बहुत अच्छा इंसान है यार और वैसे लोगों को देश की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि देश में बहुत लाखों करोड़ों लोग मतलब वीडियो बनाते हैं, कैसा वीडियो बनाते हैं आप लोगों को तो पता ही है, बहुत अमीर अमीर के मतलब बहुत अमीर अमीर फैमिली के लोग रहते हैं जो यार कार से चलते हैं, मतलब उन लोग का वीडियो बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आप लोग यार जो हम लोग जैसे फैमिली के सपोर्ट करते हो ना, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यार। और देखो अपना रेसर सैदुल भाई जो है ना अपने घर का बड़ा है और अपने उसके पूरे घर की पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। आप कैसे अपने परिवार को, आपको पता है मान लो उसका बड़ा भाई रहता तो वो मान लो पैसे कमा कर देता तो अपना तैयारी अच्छे से करता, कोई टेंशन नहीं रहता। अगर पिताजी सही रहते तो पिताजी मान लो ज़रूर कुछ करते, लेकिन देखो उसके पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है जो कि हॉस्पिटल में रोज़ जाता है और रोज़ दवा कराता है। पता है आप एक बात देखना भाई, हम जैसे लोगों पर पता है क्या होता है, अभी कोई चार पहिया से जाएगा ना और वो बहुत अमीर रहेगा तो किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा तो वो हॉस्पिटल वाला उसको ऐसा बोलेगा कि सर 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 बोल के मतलब बोलता रहेगा और बोलेगा आपका काम हो जाएगा और उसका काम तुरंत करेगा, तुरंत घर भेज देगा। और हम जैसे लोग जब जाएंगे ना तो ऐसा ही कुछ रेसर सैदुल भाई के साथ भी हो रहा होगा। हम जैसे लोग जाएंगे हॉस्पिटल में ना तो बोलेगा उधर बैठ जा, अभी आधे घंटे बाद आना। जब आधे घंटे बाद जाएंगे ना तो बोलेगा एक घंटे बाद आना। जब एक घंटे बाद जाएंगे ना तो बोलेगा अरे यार तू तो परेशान करके रख दिया है, थोड़ा समय रुक जा उसके बाद से आ जाना। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, ठीक है ना। अभी पहले मेरे साथ बहुत बार हुआ है और आगे जब होगा ना तो मैं कभी आप लोगों को लाइव भी दिखाऊंगा। मतलब ऐसा बोलेगा चल बैठ जा, तू तो बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी आना, ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, ऐसे बोलेंगे सब हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल रहेगा तो पता है। उसके बाद से जब मतलब किसी तरह वहाँ जाएंगे भी ना तो पैसे लेंगे सब और डांट डांट कर बोलेंगे सब, जिस तरह मतलब बड़े लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता है, बोला जाता है, उन लोगों का काम किया जाता है, उस तरह हम लोगों को नहीं बोला जाता है, नहीं देखा जाता है, काम भी नहीं किया जाता है। ये मैं मतलब प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। और मेरे साथ भी हुआ है और सर सैदुल भाई भी अभी प्रजेंट टाइम में हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा है, अपने पिताजी को वहाँ लेकर जाता है, उनको दवा कराता है, वहाँ रूम के बाहर बैठा रहता है। अब सोचो वो लड़का कैसे तैयारी करेगा भाई, कैसे तैयारी कर पाएगा, जो कि फिर भी अपना तैयारी करता है, ऐसा नहीं है तैयारी नहीं करता। लेकिन आप लोग खुद सोच सकते हो, थोड़ा 5 मिनट समय निकाल कर सोचना और सोचना कि जिसके ऊपर पूरे परिवार का बोझ होगा, जो अपने घर का बड़ा होगा, ना ही कोई उसको उसका बड़ा भाई होगा और ना ही उसके पिताजी मतलब पैसा कमा कर ला कर मतलब उसको दे पाएंगे, तो आप लोग सोचना वो लड़का कैसे इंडियन आर्मी की तैयारी करेगा, कैसे ग्राउंड पर जाकर रनिंग करेगा, रिटेन की तैयारी करेगा, उसके दिमाग में क्या चलेगा, आप लोग एक बार सोचना भाई। उस लड़के के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है लेकिन दुनिया उसको नहीं देखती है। दुनिया किसको देखती है, जिसका नाम चलता है, जिसके पास पैसा रहता है, बस उसको देखती है कि भाई ये तो सही है, चल इसके साथ, उसके साथ बस उसका साथ देती है। आपको पता है कोई भी साथ देगा कब तक साथ देगा। देखो अगर लोगों को लगेगा कि हाँ ये कुछ काम कर जाएगा, ये मतलब इसका नाम है, इसका पास पैसा है, तो आपको साथ देगा। बहुत क्रोध जो आपका रहेगा ना आपके माता पिता को छोड़कर बहुत क्लोज रहेगा ना, मान लो अचानक आपके परिवार में तबीयत ख़राब हो जाता है तो जाएगा, ये अगर मतलब एक दिन जाएगा आपके साथ इतना कर देगा, दो दिन जाएगा इतना कर देगा, 10 दिन जाएगा, लेकिन फिर वो भी बोलेगा यार ऐसा कब तक चलता रहेगा, वो अपना काम देखने लगेगा, आपको अकेले छोड़ देगा। तो इसलिए भाई मिडिल क्लास जो मिडिल फैमिली के लोग रहते हैं ना, उन लोग जब तक सही रहेंगे तब तक तो सही रहेंगे, लेकिन भाई जब परिवार में किसी का तबीयत ख़राब होता है ना तो यार बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और जब तक सही रहते हैं ना तब तक बहुत खुशहाली परिवार रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि खुश तो रहते हैं लेकिन दिक्कत हो जाता है भाई। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अपने रेसर सैदुल भाई के पिताजी को मतलब जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना भाई।
क्योंकि अपना भाई बहुत मेहनत करता है यार, अपने भाई का पता नहीं। अभी तो देखो, एक तो दूसरे को तो मोटिवेट करते ही रहता है और अंदर से पता है उसको ऐसा लगने लगा है ना यार, मैं फौजी नहीं बन पाऊँगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं अब सोचे यार उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, अपने पिताजी को देखेगा, हॉस्पिटल लेकर जाएगा या ग्राउंड पर जाएगा या रिटर्न की तैयारी करेगा, आप लोग खुद सोच सकते हो। तो यार उसके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलते रहता है। लेकिन भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो आप अपना तैयारी करते रहना यार। आप देखो किसी बंदे का स्टोरी उठाकर देखना, जो पहले बहुत मतलब उसका समय बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है ना, तो वो इतना मेहनत कर जाता है। देखो ऐसा नहीं है मेहनत छोड़कर भाग जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इतना मेहनत कर देता है ना यार, आने वाले समय में लोग उसका मतलब इतिहास देखते हैं यार, ये पहले क्या था, कैसे था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। और आने वाले समय में मतलब जब वो कुछ कर जाता है ना, तो बोलते हैं यार ये बहुत बंदा, मतलब दुनिया नाम लेती है। तो इसलिए भाई आपको पीछे फील्ड नहीं छोड़ना है यार, दुख तो आएगा जाएगा। ऐसा नहीं ये कोई भी रहे ना, कितना भी अमीर रहे ना, कभी खुश नहीं रह सकता है, आप देख लेना ठीक है ना, यही हकीकत है। कोई कितना भी अमीर रहेगा, कुछ भी रहेगा, खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपना तैयारी करते रहना। हम लोगों का मतलब ये नहीं है, बाप दादा परदादा जैसे हमारे पिताजी बहुत लाखों करोड़ों रुपया रख कर गए हैं या बहुत खेती बाड़ी छोड़ कर गए हैं कि हम लोग खेती बाड़ी करके और मतलब घूम लेंगे, आयस करेंगे, ज़िंदगी मौज में बीतेगी, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पुअर फैमिली के हैं, मेहनत करेंगे तभी कुछ करेंगे। और सबसे अलग ये नहीं वो बंदा बोल रहा है कि साला तू कर रहा है जो ख़राब कर रहा है तो छोड़ दो, तो आपको छोड़ना नहीं है भाई। आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर जाऊँगा तो आपको छोड़ना नहीं है, बस इतना। और अंदर आग होना चाहिए, फालतू लोगों से बस दूर हटे रहो। अरे सर सैदुल भाई आप बिल्कुल छोड़ना नहीं, ठीक है ना। आपको अगर छोड़ दोगे तो आपके ऊपर बहुत सारे भाइयों का विश्वास है और बहुत लोग आपके वीडियो से मोटिवेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपना काम नहीं छोड़ना, मोटिवेट करते रहना और अपना तैयारी करते रहना यार। और देखो समय है, कभी ख़राब हो जाता है तो कभी सही रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, आपके परिवार वाले मैं आपके परिवार वाले को प्रणाम करता हूँ जो इतने मतलब इतने अच्छे फैमिली के आप हो। आप जो नहीं समझ पाएगा उसका तो बात ही छोड़ो, वो आप कुछ भी बोलोगे नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो अंदर से सोचेगा ना उसको समझ आ जाएगा। वो बस जो नहीं समझ पाएगा वो यही सोचेगा कि ये क्या है सब, ये मतलब खेती बाड़ी दिखाते रहते हैं सब, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, तो उसको समझाया नहीं जा सकता है, बस यही। और बाकी भाई आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हो अपने रेसर सैदुल भाई को और हमको, बाकी जितने इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, अपना जैसे अपना ये मोटिवेट करते रहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस दुनिया में लोग जो अच्छा काम करता है उसको बहुत कम ही लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत कम ही लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद। अभी रेसर सैदुल भाई आप छोड़ना नहीं, ठीक।